सो गाइस, इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 10। हमारे तरफ आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको बेटा नहीं कहेगा। सो गाइस, मैंने गोरी से पैसे लिए, 340 रुपए हैं, तो मैं जाऊंगा आटा लेके आऊंगा, ये वाला रास्ता लेके मैं गाइस जाऊंगा। तो इस तरफ बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे वो आपको दिखाएंगे। तो गोरी आपने साल में पका देना, सही। वो अभी मैं जा रहा हूँ आटा लेने, ये हमारा पीछे घर, यहाँ से मुझे तकरीबन कोई 20 मिनट लगेंगे। ये वाला रास्ता मैं लेके जा रहा हूँ। वो ना, मैं एक दो बार गया तो घर के अंदर जा रहा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई कह दे तो अच्छी बात नहीं है। इस रास्ते से ना मैं गाइस पहले कभी नहीं आया। ये देखो माहौल, देखो यहाँ ज़्यादा जंगल लग रहा है, जैसे हम पहले यहाँ रहते थे ना उस तरह का ज़्यादा जंगल जंगल है, पेड़ ज़्यादा है, ये कीकड़ के पेड़ है ना। और इधर घर वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये देखो, मैं यहाँ कभी आया ही नहीं हूँ। दो चिप्स लूँगा, आटा लूँगा और आ जाऊँगा वापसी, लेकिन शॉप पता नहीं कहाँ इधर किधर है। ये देखो गाइस, यहाँ घर कितने अच्छे अच्छे देखने में आ रहे हैं, बहुत अच्छे। और मिट्टी के जो घर थे ना, वो पता नहीं किसके थे, लोगों ने छोड़ के चले गए हैं। गाइस इस रास्ते से ना मैं कभी आया नहीं हूँ और अजीब अजीब लग रहा है, ऐसे ना कि मैं भूल जाऊँ। वैसे तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि शॉप किस तरफ है, और अब ना मुझे पता चल गया कि सामने ही शॉप है, क्योंकि इस बार मैं आया था और यहाँ से मुझे देखने में आ रहा है कि ये चक्की वाला वो शॉप है। दूसरे पे है अभी भी। और सारी चीज़ें मैंने ले ली, आटा, दो चिप्स बेबी के लिए, केक और प्याज वगैरह भी। अब मैं जा रहा हूँ वापसी, और अब मैंने चिप्स वगैरह सारे कुछ ले लिया और अब मैं जा रहा हूँ वापसी। ये वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इधर से देखो ये सारे घर छोड़ के लोग चले गए। चलते चलते ना एक चीज़ यहाँ लग जाती है, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना ये लग जाते हैं। अब हम जा रहे हैं वापसी। अरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं, बहुत अच्छा अच्छा माहौल है, कोई ख़ास टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मसला कहें तो पानी का सबको मसला है। तो वो सारे ये कहते कुएँ कुदवा के उसमें बड़ी टांकी उतरवा देते हैं, सारे ऐसे ही करते हैं, तो हमने भी ऐसे कर दिया। अब सोलह बन पहुँच गए घर, देखते हैं गोरी क्या बना रहे। मैंने समझा कि गोरी ने साले नहीं बना दिया होगा। हाँ, साल नहीं बनाया था, थोड़ा बनाना था ये। हाँ। अंडा और क्या, आलू, अंडा आलू का आज फर्स्ट बार बना रहे हैं। और बेबी भी देखो गाइस कैसे हो गई, इसके लिए मैं बिस्किट लेके आया हूँ, बिस्किट नहीं बल्कि केक। और ये दो चिप्स हैं, प्याज की गोली लेके आया हूँ, नहीं था मुझे कैसे पता चलता कि प्याज नहीं था, आपने नहीं बताया ना। नहीं। फिर ये ले, ये भी खुश हो गए गाइस, ये देखो गाइस पापड़ कहते हैं या चिप्स एक ही बात है। और ये ना फास्ट मेल है, ये बहुत अच्छे होते हैं खाने में। सर मैंने खाली, ये खाली प्लास्टिक में क्यों दे रहा हूँ, ये भी काम का है, आग जलाने में काम आएगा। ये ले गोरी, यान कोई चीज़ फालतू है ही नहीं। फूल लगाए थे ना वो मुर्गियों ने खा लिए थे, इसकी जो लकड़ी नहीं है, लेकिन ये मैंने देखी कि अभी भी है और ये हो रही है। अब इसको मैं पानी देता हूँ, दूसरा इधर भी मैं देखता हूँ। नीम का पेड़ बहुत अच्छा हो रहा है, अभी पानी वगैरह हम सही दे रहे हैं। और ये भी है एक, तो मैं पानी भर के इनको मैं पानी दूंगा, और भी ढूंढूंगा कि इधर भी थी, क्योंकि मुर्गियों ने खा ली, लेकिन ये अभी भी हो रही है। इनके पौधे का मैं चला सेट कर देता हूँ ताकि ये अच्छा हो जाए। इसको दो तीन दिन हमने भर भर के पानी दिया ना, ये बहुत ऊपर आ गया। ये देखो गाइस, इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। मैं और भी पौधे लेके आऊँगा, इधर लगा देंगे, चल इतना बड़ा हो ना। ये अब सही, अभी इसकी मिट्टी में निकाल देता हूँ ये रेत। तो इसको ना मैंने सेट कर दिया है, अब मैं कुएं से पानी निकालता हूँ, पानी निकाल के ना इनको मैं पानी दे देता हूँ। तो अब इनको भर भर के पानी देते, पहले ना हम वो ख़राब बर्तन वाला पानी दे रहे थे ना, तो उससे सही नहीं हो रहे थे, इससे सही हो जाएंगे। तो इसको मैं नीचे छोड़ता हूँ, ये इतना कि रस्सी ना अंदर चली जाए। उस बाइक के पास जो छोटा कैन था ना गाइस, वो अंदर चला गया, अब इससे काम चला रहे हैं। जग में पानी आ गया, अभी मैं बाहर निकलता हूँ उसको ऐसे। दिखाना है ना आपका ब्लॉग में, गाइस दिखाना है ना, अभी क्या करें। इस तरह मैंने बाहर निकाल दिया, अब इसको मैं खोल देता हूँ रस्सी को, या ऐसे ले जाऊँ इसको, ऐसे दे देते हैं, उसके बाद इसको देते हैं, और उसके बाद इसको ज़्यादा सख्त धरते, ये इंशाल्लाह हो जाएंगे। आगे पौधे वगैरह लगा देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो अपन गोरी खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है,
वो बना दे, उसके बाद खाना खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। सो तीन जावे मैंने सेवरी लगा दी, अब मुर्गे भी इसको नहीं काटेंगे, थोड़ी बड़ी होगी ना, ऊपर ईंटें दे दिए, उसके अलावा अब पानी वगैरह भी सही देंगे, कुएं में पानी पड़ा है, मुर्गी को भी अंदर डाल दिया, ये भी अंडा देगी। अंदर चलते हैं, देखते हैं गौरी क्या बना रही है। गाइस गौरी क्या बना रही हो? देख आलू। सो आलू इस तरह गौरी फ्राई कर रही है, फ्राई करने के बाद फिर अंडा डालोगी ऊपर? हाँ। तो अंडे डालेगी ऊपर से, दो तीन? दो डालें? दो सही नहीं? हाँ। सो ऐसे नहीं कि आलू सस्ते हैं तो हम खाते हैं, आलू सुबह शाम हो गए ना हम खाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं गौरी? हाँ। तो अब ना अंडे भी आ गए, कभी अंडे आलू कभी कभी ना सब्जी वगैरह भी लेके आएंगे, तो इस तरह अच्छे से अब गुजारा हो रहा है। सो मुर्गी वो निकलने की कोशिश कर रही है, अब इसको देखते हैं अंडा दिया कि नहीं, कहाँ अंडा तो आज नहीं दिया। अपन इसको बंद कर देते हैं, मुर्गी ने अभी तक अंडा नहीं दिया है। तो अपन गोरी पका रहे रोटी, पहली रोटी लगा दी है तवे पे, आज आटा अच्छा नहीं देखने में आ रहा, वो स्पेशल आटा नहीं है, चक्की का सादा आटा, तो थोड़ी थोड़ी रोटी काली देखने में आ रही है, लेकिन ये आटा भी खाने में बहुत अच्छा है, नहीं गोरी? हाँ जी। तो एक ये तवे पे, एक ये दो, वो आज सालन देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पका दिया है। तो अब ना हमारा खाना है तैयार और खाते हैं, आलू का सालन है, बेबी गिर ना जाए। और गाय साहब कहते हैं बेबी के सामने आप खाना क्यों नहीं खाते, क्योंकि ना ये खाना नहीं खा सकती, रोटी ना अभी तक नहीं खा सकती सालन के साथ, तो हम खाना खाते हैं ना वो ऐसे करती है, मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे सामने हम खा रहे हैं वो ऐसे कर रहे, नहीं गोरी? तो उस वजह से ना हम थोड़ा साइड पे होके खाते हैं, क्योंकि ये छोटी है तो अभी खाना खा नहीं सकती सही, तो रोती है, हम खाना खाते हैं तो हमें देखे, तो उस वजह से हम उधर खाना खाते हैं, वरना जितनी आपको प्यारी है ना गाय उतनी हमें ये बीबी प्यारी है, तंजिला बेटी ये हमें प्यारी है। करते हैं बिस्मिल्लाह। सुबह बीबी ने इतनी रो रही है, बीबी को चुप कराने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आदमा के देखना गाइस, अब नहीं देखना कि इतनी रो रही है ना, अब इसको मैं चुप करवा दूंगा, देखना देखना एक मिनट में चुप कर जाएगी, ये देखो गाइस। खाना ना हमने खा लिया, अब मैं पीता हूँ पानी। सुबह गौरी ना बेबी को खिला रही है, मैंने पानी पी लिया, अब मैं जा रहा हूँ कीकड़ का पेड़ है वो काटूंगा, तो ये ना सेफ्टी के लिए सही हो जाएगी, जितना ज़्यादा हम लगाएं उतना ही हमें फ़ायदा है, तो उस तरफ ना ये थोड़ा थोड़ा है, तो इसको मैं सेट कर दूंगा, कम लगा हुआ है इस तरफ से, ये बैक साइड पे मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है, तो छोटे छोटे कीकड़ के पेड़ हैं ये काटता हूँ, एक ये एक इधर आगे, उसके बाद दो तीन इधर भी हैं, तो उनको काटते हैं गाइस, ये वाला काटेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये वाला सामने है ये छोटा, इसको छोड़ देते हैं, फिर उधर आगे वो बड़ी है ना उधर जाते हैं, इसको ना गाइस इधर से काटते हैं, ये काटने में थोड़ी मुश्किल लग रही है, ये कटिंग हो जाए, ये कटिंग कर दी गाइस, इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद अभी भी हे इधर ये देखो, इसको ऐसे ऐसे कटिंग कर दी, और अब निकालते हैं टिकट पेड़ को, मैंने काट दिया, अब इसको मैं लेके जाता हूँ, फिर उसको लेके जाऊँगा, सबको काट के इधर, ये जितनी हम ज़्यादा लगाएंगे उतना ही हमें फ़ायदा है, इस तरह गाइस इधर रख देता हूँ, उसके बाद मैं सेट करके इधर लगाऊंगा, बहुत अच्छी हो जाएगी, और बैक साइड मैंने आपको पहले भी दिखा दिया गाइस, और अभी भी मैं दिखा देता हूँ, वहाँ कोई ख़ास टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लगा दिए, ये देखो गाइस इस तरफ ना ये पेड़ ज़्यादा लगा दिए, अब ना मैं इसको काटूँगा, और ये आती है बैर सुकून लगा हुआ है, बेबी को सुला, फिर अगर आती है तो आ जाओ, फिर अक भी काटते हैं, अक भी काटेंगे जलने के लिए काम आएंगे, अक भी काट के रखेंगे ना तो जलाने में काम आएंगे, तो मैं इसको भी काट लेता हूँ, उसके बाद ये छोटी है, और उसके बाद ये दो है ना, ये दो तीन ये बड़ी है, पेड़ को भी काट दिया, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें कांटे बहुत थे, तो अभी इसको मैं इकट्ठा करके इधर रख देता हूँ, उसके बाद फिर शाम को या घंटे डेढ़ के बाद तो जहाँ लगानी होगी तो सेटिंग से सही करके लगा दूँगी, अभी इनकी बारी है, एक दो तीन, तो ये तीनों ही मैं अभी काटूंगा, तो ये काट के फिर मैं जाऊंगा
दूध लेने, तो ये थोड़ी सही लग रही काटने में। इसको देखना पड़ेगा इस किस तरह काटना है, कैसे काटना है। अभी इसको ऐसे काटना पड़ेगा, इधर जाना होगा, अभी इधर से ऐसे कुल्हाड़ी मारूंगा और ये कांटे भी नस दिए इधर। इतने धूप में तकरीबन दिन के बज रहे हैं 1:20, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और अब आप गाइस कहो कि हम पे थोड़े एहसान कर रहे हो, अपने के लिए कर रहे हो। छोटा इसको छोड़ते हैं, बाद में काटेंगे, पहले इसको कटिंग करते हैं। ये बड़ा है, इस तरह का अगर 3-4 होते हैं तो काम बहुत अच्छा हो जाता। देखने में इतना खूबसूरत आ रहा, दिल नहीं करता कि मैं काटूं उसको, लेकिन काटना पड़ेगा। एक ये भी है, उधर भी हैं, छोटे हैं, लेकिन इसको कटिंग करना लाजमी है। इसके अंदर घुसना गाइस बहुत ही मुश्किल है, मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है काटने में। इसको मैं खुद सोच रहा हूँ कि कैसे काटूँ, पहली बार ये मैं किकर का पेड़ इतना मुश्किल देख रहा हूँ, लेकिन काटना तो है। अब इस तरफ कोशिश करते हैं घुसने की, बहुत ही मुश्किल है। इधर से जाते हैं, देखते हैं ये सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ से पहले इसको काटते हैं गाइस। ओए बहुत मुश्किल है, इस तरह ये कटिंग हो जाए ना, करके पेड़ को भी काट दिया सारे को। अब सिर्फ उठानी है, ये पड़ी है इतनी सारी और दूसरी ये पड़ी है। अपने गोरी करिए, आ जाओ चाय पियो, उसके बाद फिर काटते हैं। और अब चलते हैं गाइस, चाय पीते हैं। तो गाइस अपन गौरी ने चाय बना दी है, अब पीते हैं चाय। सो गाइस ये ना व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर आप और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपने खैर किए, बाय 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 बाय। छोड़ दें हाँ, अब बाय बाय।